हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना। एंड जो लोग भी बाइनरी ऑप्शन में कंटिन्यूसली लॉस करें उनके लिए एक सजेशन है कि आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल को एक बार विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ओके, जाइए वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। मंडे टू फ्राइडे कंटिन्यूसली सिग्नल दिया जाता है विद लाइव रिजल्ट, लाइव कैमरा ऑन करके रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ज़रूर से एक बार चेकआउट कीजिएगा। मैं पहले आपको नहीं कहूँगा कि आप मेरा VVIP ज्वाइन कर लो, सिंपल सी बात है। पहले आप ऑफिशियल ज्वाइन करो, फिर आपको अगर जेन्युइन सर्विसेज मिलती है, आपको जब तक 100% ट्रस्ट ना हो तब तक आप VVIP मत ज्वाइन करना, ठीक है। बट इफ़ यू वॉन्ट मोर प्रॉफिट देन यू कैन कंटिन्यू विद आवर VVIP ग्रुप। आप VVIP ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ऑफिशियल ग्रुप से बेनिफिट मिल रहा है तो, ठीक है। और हर रोज का VVIP ग्रुप का रिजल्ट मैं ऑफिशियल ग्रुप में वीडियो फॉर्मेट में डालता हूँ विद माई रिजल्ट विद मेम्बर्स रिजल्ट डेली का, तो उसको भी आप ज़रूर से चेकआउट करना, ठीक है। सो जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका नेम है ऑलिम्प एक्सपर्ट हिंदी ऑफिशियल, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। ओके, थैंक यू। सो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ओके गाइस, सो थंबनेल देखकर बहुत लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो है कि ए एक्सपेरिमेंटल वीडियो ऑन आवर स्ट्रैटेजी डैट्स कॉल्ड हार्टबीट स्ट्रैटेजी। ओके, जिसको हमने नाम दिया था हार्टबीट स्ट्रैटेजी, उसके ऊपर आज हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाने वाले हैं। क्योंकि पहले भी मैंने हार्टबीट स्ट्रैटेजी को डिस्क्राइब किया था, कि आपको समझाया था कि कैसे क्या ये वर्क किया करता है, और इसको मैंने खुद इन्वेंट किया था और आप लोगों को सिखाया था। बहुत लोगों ने यूज़ किया, बहुत ही अच्छा खासा पॉपुलर रहा वीडियो एंड बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। सो उसमें मैंने लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाई थी कैसे क्या होता है, हर एक चीज़ बताया था। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो बनाने वाले हैं कि देखेंगे कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या आज भी वर्क कर रही है, क्या हम उसको अभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरा यहाँ पर $39,000 का अप्रॉक्सीमेटली बैलेंस है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं $1,000 से सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ ट्रेड करना। सो बैलेंस के अकॉर्डिंग $1,000 मेरा ठीक ठाक है। सो मैं $1,000 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट का बाय डिफ़ॉल्ट टाइम, और हार्टबीट स्ट्रैटेजी का आज हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर करेंसी देख लेता हूँ। हाँ, जिन लोगों ने हार्टबीट स्ट्रैटेजी नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर से देख लेना, चैनल पे अवेलेबल है। ओके, सो उसको ज़रूर से देख लेना, तो ये वीडियो आपको, इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सिंपली हार्टबीट का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपने जो मशीन हॉस्पिटल्स में होते देखा होगा, उसमें हार्टबीट जो चलती है वहाँ पर क्या होता है कि सडनली ग्राफ जैसा चलता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो उसी को ध्यान पे रखते हुए इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा ही दिखता है, तो डेट्स व्हाई मैंने इसका नाम हार्टबीट स्ट्रैटेजी रखा था। ओके, और यहाँ पर मैं ट्रेड कैसे करता हूँ मैं छोटा सा बता देता हूँ। जब भी सडनली हार्टबीट यहाँ पर बढ़ जाती है मार्केट पे, तो मैं उसका ऑपोजिट साइड ट्रेड लेता हूँ, एंड जब हार्टबीट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है तो उस टाइम मैं उसके ऑपोजिट ट्रेड लेता हूँ फॉर 1 मिनट। ओके, सो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो सडनली हार्टबीट बढ़ गई, तो मैंने $1,000 का यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि यहाँ पर देखो नॉर्मली चल रहा था, फिर सडनली यहाँ पर हार्टबीट बढ़ गई, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पर हार्टबीट बढ़ गई, मैंने अगेन यहाँ पर $1,000 का ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आपको मेरी तरह मल्टीपल नहीं प्लेस करना है, आप एक ही प्लेस करना, जस्ट मुझे ये श्योर लगा इसलिए मैंने एक और प्लेस कर दिया सेम पोजिशन पर ही लगभग, ठीक है। सो ऐसा होता है जब भी मार्केट सडनली आप देख रहे हो कि उसका हार्टबीट बढ़ जा रहा है, मतलब रेट बढ़ जा रहा है, मार्केट इंक्रीज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा सडनली ऊपर जा रहा है, तो डेट टाइम आप क्या कर सकते हो कि उसको अपोजिट साइड ट्रेड प्लेस कर सकते हो। और ये जो स्ट्रैटेजी है ये लाइन ग्राफ की ही स्ट्रैटेजी है, ये कोई कैंडलस्टिक वगैरह की नहीं है, इसीलिए इसका नाम हार्टबीट स्ट्रैटेजी है, जो कि मैंने खुद इन्वेंट किया है। तो $2,000 का मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस किया है, आई एम डैम श्योर कि ये 100% विन होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो स्ट्रैटेजी इन्वेंट की थी वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं है, ठीक है, ये बहुत लंबा वर्क करने वाला है, बहुत ही लंबा वर्क करने वाला है, ठीक है। तो पहला ट्रेड हमारा विन हो गया, सेकंड ट्रेड भी हमारा भी डेफिनेटली विन होगा, तो वेट करेंगे थोड़ा सा। सो यहाँ पर देखो ये ट्रेड भी मेरा विन हो गया, तो $2,000 का ट्रेड यहाँ पर क्लियरली हमारा विन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा सडन मूवमेंट आ रही है, तो यहाँ पर अब हम छोड़ेंगे इसको, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ट्रेंडी मार्केट है थोड़ा सा, मैं थोड़ा करेंसी को चेंज कर लेता हूँ, गोल्ड में देख लेते क्या है।
गोल्ड भी कंटिन्यूसली आपके तरफ ही जा रहा है। इंडेक्स में देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। ओके, यहाँ पर थोड़ा बहुत है। चलो, सडनली मार्केट ऊपर गया, मैंने प्लेस कर दिया डाउन के लिए। ओके, अब ये मैंने क्यों प्लेस किया, देखो सडनली हार्ट रेट बढ़ा मार्केट का। मैं हार्ट रेट करके बता रहा हूँ आपको, मतलब मार्केट सडनली इंक्रीज हुआ। ओके, तो मैंने यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया, गेन $1,000 की। अब यहाँ पर देखो मार्केट सडनली डाउन गया। अब यहाँ पर खेल देखो कैसा चल रहा है। यहाँ पर सडनली मार्केट डिक्रीज हुआ, मैंने आपके लिए यहाँ पर प्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि सडनली इंक्रीज हुआ अपोजिट साइड ट्रेड, सडनली डिक्रीज हुआ अपोजिट साइड ट्रेड। यहाँ पर देखो डाउन की ट्रेड ले रखी है मैंने, यहाँ पर देखो अप की ट्रेड ले रखी है मैंने, ठीक है। ये वाला ट्रेड तो डेफिनेटली विन होगा, ठीक है। अब इसका भी देख लेते क्या रिजल्ट निकल के आता है, बट विन होना चाहिए दोनों ही। ओके, बट एट द सेम टाइम माई रिकमेंडेशन कि आप एक ही ट्रेड लेना, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप मेरी तरह मल्टीपल ट्रेड प्लेस करो। मैं खुद इसको इन्वेंट किया हूँ, सो इसलिए मैं इसके साथ बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हूँ, मुझे अच्छे से समझ में आती है ये चीज़ें, ठीक है। इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक साथ मल्टीपल ट्रेड प्लेस करके, बट आप मेरी तरह ऐसे प्लेस मत करना, एक एक करके ही प्लेस करना, ठीक है। तो देख लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग में है ये वाला ट्रेड, देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है फाइनली। ओके ओके, जस्ट लास्ट सेकेंड ये हमारा लॉस हुआ, लास्ट सेकेंड। ओके, तो कोई बात नहीं, हमने चार ट्रेड ली है $1,000 की, सो उसमें से एक हमारा लॉस गया और लगभग $3,000 का हमारा प्रॉफिट भी यहाँ पर हुआ है। ओके, सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सडन मूवमेंट में फिर से मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, तो मैं करेंसी कुछ देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर सडन मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ओके, जहाँ पर हमें नॉर्मल करेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे कि जिगजैग जिगजैग जिगजैग, वहीं से हम ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मुझे तो कुछ खास लग रहा है कि यहाँ से अब जाने वाला है। ओके, सो देखते हैं, सडन मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पर $5,000 की ट्रेड प्लेस कर दी। ओके, $5,000 की ट्रेड प्लेस कर दी गाइस, अभी भी जिगजैग 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 चल रहा है, बट अल्टीमेटली ऊपर जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन, क्योंकि यहाँ पर सडनली अच्छा खासा फॉल हुआ है मार्केट पे, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ से कन्फर्म हुआ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो डेट्स वाई मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि मैं यहाँ पर श्योर हूँ, एकदम श्योर हूँ, ठीक है। जब तक मैं 100% शेयर श्योर नहीं होता, तब तक मैं पूरा मतलब इतना बड़ा ट्रेड नहीं लेता। $5,000 काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो कि मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया है, एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मार्केट। ओके, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, देख लेते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। डैम श्योर विन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब भी बड़ा ट्रेड लेते हैं इतना ईजी भी नहीं है कि वो लॉस हो जाए, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुका है, बट विन तो होना ही होना है। ओके, अगेन ऊपर, तो यहाँ पर एक विन, दो विन, तीन विन, चार विन, पांच विन, सारे के सारे ट्रेड हमारे विन, ठीक है। तो टोटली मैंने कितने ट्रेड लिए हैं, लगभग 8 ट्रेड मैंने लिए, एक लॉस हुआ और 7 विन हुए, ठीक है। और सारी ट्रेड $1,000 की थी, और यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्ट्रेटजी मैंने इन्वेंट किया वो आज भी वर्क कर रही है। ऐसा नहीं है कि दो दिन एक दिन वर्क किया फिर हटा, उसको नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है हार्ट बीट स्ट्रेटजी की पावर। ओके, यहाँ पर मैंने देखो $39,000 का मेरा बैलेंस था, यहाँ पर मैंने $6,000 का मैंने प्रॉफिट किया है अभी आपके सामने, ठीक है, मेरी इन्वेंट की भी स्ट्रेटजी से। तो डेफिनेटली इसको यूज़ करो, थोड़ा सोच समझ के यूज़ करो, मनी मैनेजमेंट को यूज़ करो, डेफिनेटली यू विल गेट प्रॉफिट। ओके, सो आज का वीडियो इतना ही है गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया, तो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। अभी से मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यूसली वीडियो लाने की। ओके, सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर से एक लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। एंड जो लोग भी न्यू मेंबर है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, एक दो सेकेंड लगते हैं, पर तो उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, एंड ऑल्सो अपना फैमिली का भी ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।